दर दर दरक रहा है उत्तराखंड। जोशीमठ के बाद अब जमींदोज होने की कगार पर रुद्रप्रयाग। दहशत में जी रहे हैं लोग। बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर पड़ने वाला जोशीमठ का दरकना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि अब उत्तराखंड के दूसरे दो अहम शहरों में जमीन फटने लगी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मरोड़ा गांव के नीचे टनल बनाई जा रही है, लेकिन इसकी वजह से रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के कई घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव का वो निर्माण स्थल है जहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए काम चल रहा है। यहाँ लगातार हो रही ड्रिलिंग, विस्फोट और तोड़फोड़ का असर आसपास के नाजुक पहाड़ों पर पड़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से कई घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इन दरारों की वजह से अब तक कई घर जमींदोज हो चुके हैं, कई अन्य घरों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव के ही एक टूटे हुए मकान में रहने वाले लोगों का मानना है कि रेल लाइन प्रोजेक्ट के चलते जो कंपन होता है उसकी वजह से उनके मकानों में दरारें आ रही हैं। कुछ घर तो पूरी तरह टूट चुके हैं, घर की सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा भी खोखला हो चुका है। लोगों को ऊपर नीचे आने जाने में काफी संभल संभल कर काम करना पड़ता है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के ही एक दो मंजिला मकान में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं, मेहनत से घर बनवाया, सारी पूंजी लगा दी, लेकिन अब इतने साल में पहली बार ऐसी दरारें देखने को मिली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग का भी यही हाल हो सकता है। इन जिलों के स्थानीय लोगों को जोशीमठ जैसे हालात का डर है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अटाली गांव से होकर गुजरने वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अटाली के एक छोर पर भारी भूसंकलन के कारण दर्जनों मकानों में दरारें पड़ गईं, वहीं गांव के दूसरे छोर पर सुरंग में चल रहे ब्लास्टिंग के काम से भी काफी घरों में दरारें पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से उनके घर में दरारें पड़ रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। गांव के स्थानीय लोग अब अटाली गांव से अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अटाली के अलावा गुलर, व्यासी, कोडियाला और मलेथा गांव भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना से प्रभावित है। लोगों ने मांग की है कि सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा और मैनुअली काम करना होगा ताकि उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण शुरू होने के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि कभी भी स्थिति विकराल रूप धारण कर सकती है। दरारों वाले कई और घर भी जमींदोज हो सकते हैं। घरों में आ रही दरार के बाद मकान जमींदोज हो रहे हैं। जिन लोगों को रेलवे ने मुआवजा दिया वो परिवार तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन जिन्हें मुआवजा नहीं मिला वो अभी भी पान है। दहशत में भरे लोग अपनी गृहस्थी के अहम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर चुके हैं। रेल लाइन निर्माण का काम कर रही कार्यदायी संस्था ने पीड़ित परिवारों के रहने के लिए टीन शेड की भी व्यवस्था की है, लेकिन सुविधाओं की कमी की वजह से लोग वहां नहीं रह पा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।